नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया कि मुझे भी इसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर टैक्स घटाने पर, राज्य का जो टैक्स है उसको घटाने पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इस मामले में जब आज पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान से पत्रकारों ने पूछा, तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हमला करते हुए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको अपने राज्य की हो रही हलचल के बारे में अखबारों के माध्यम से पता चलता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है। साथ ही चिराग पासवान ने कई सारी बातों पर हमला बोला, कहा कि अगले साल भी अगर बाढ़ आएगा तो मुख्यमंत्री एरियल सर्वेक्षण ही करेंगे, बाकी इनसे और कुछ उम्मीदें किया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री को 15 साल से प्रदेश में हो रही हलचल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो चिराग पासवान ने पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर क्या कुछ बयान आता है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल बिहार इन शॉर्ट्स को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।